क्या बोल रहे हो समझ रखो, क्या करोगे तुम? गए पकाओ तो उठा दो तुम्हारी, क्या करोगे तुम? गए पकाओ तो उठा दो तुम्हारी। यही तो चीजें है सर, हमारा यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हिट एंड रन कानून को लेकर जारी बवाल के बीच मध्य प्रदेश में साजापुर जिले के कलेक्टर और ट्रक ड्राइवरों के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था, क्योंकि कलेक्टर किशोर कन्याल ने बैठक के दौरान अपना आपा खो दिया और एक ड्राइवर से कहा, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। इस पर ड्राइवर ने कहा कि यही कारण है कि वे इसके लिए लड़ रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार के हिट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल पर थे और मंगलवार को इन्हीं हड़ताली ड्राइवरों से बात करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई थी। इस बैठक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस बयान के बाद सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई और उन्हें हटा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मनुष्य के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था और कहा था कि बैठक में ट्रक ड्राइवर 3 जनवरी के बाद विरोध प्रदर्शन को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए बार बार धमकी दे रहा था। स्पष्टीकरण में कहा गया था कि कलेक्टर ने उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कठोर लहजे का इस्तेमाल किया, न कि किसी को चोट पहुँचाने के लिए। बस ड्राइवर्स उनके साथ और हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज़ को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि सर, मैं 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लीड में जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे, आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होते। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे खबर बेबाक के साथ।